आइए हम आपको बताते हैं क्यों होता है किन्नरों का जन्म। जैसा कि सभी जानते हैं, दुनिया में स्त्री और पुरुष के अलावा एक अन्य वर्ग भी है जिसे हम किन्नर कहते हैं। किन्नरों का जन्मना जन्म से ही और मृत्यु तक एक जैसा ही रहता है। किन्नरों में स्त्री और पुरुष दोनों का ही गुण पाया जाता है। इनका रहन सहन, पहनावा भी आम लोगों से भिन्न होता है। अगर बात करें ज्योतिष पुराणों के शास्त्र की, तो माना जाता है कि बच्चे का जन्म के वक्त उनकी कुंडली के अनुसार अगर 8 घर में शुक्र और शनि विराजमान हो तो उनका बच्चा नपुंसक पैदा होता है। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इन पर पड़ती है तो बच्चा नपुंसक पैदा नहीं होता। किन्नरों के पैदा होने पर शास्त्रों का मानना है कि चंद्रमा, मंगल, सूर्य और लघु से गर्भ धारण होता है। इसमें वीर्य की मात्रा अधिक होने पर लड़का और रक्त की मात्रा अधिक होने पर लड़की पैदा होती है। अगर वीर्य और रक्त दोनों की मात्रा एक समान हो तो वह बच्चा किन्नर का जन्म लेता है। पौराणिक कथाओं को अगर माने तो अर्जुन की गिनती भी किन्नरों में की जाती थी। उस समय में भी किन्नरों का राज दरबार लगाया जाता था।